5. चूचू टाउन के 3 शैतान। चूचू शहर में एक नए सुबह की शुरुआत हुई। हेलो मिस्टर हब। ओह हाय जीनी। आज तुम्हारी सुबह की शिफ्ट है। हाँ, चिची पॉ डीजल ने कहा कि उनको सुबह काम पर जाना है, तो हम खेलने जा रहे हैं। तुमसे बाद में मिलता हूँ जीनी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? टीटी पो का काम खत्म हो चुका है और वो वापस शहर आ रहा है। डीजल और जीनी का काम भी खत्म हो गया होगा। ओ, डीजल! क्या तुम शहर जा रहे हो? हाँ। ओ, तुम इतने गंदे कैसे हो गए? क्या गंदा हो गया? एक मालगाड़ी खराब हो गई थी तो मैं उसकी मदद के लिए गया था। या! वाओ, जरा डीजल को देखो। मैंने कहा था ना वो लाखों में एक है। आज मैंने बहुत ज्यादा सामान खींचा इसलिए गंदा हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर हब को मुझ पर गर्व होगा। मैं जल्दी से जाकर उन्हें बताता हूँ। मेरे लिए रुको। जल्दी आओ। हेलो मिस्टर हब। हम काम करके वापस आ गए। तुम दोनों एक साथ? जानते हैं, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर हब भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। वो जरूर करेंगे। एक मालगाड़ी खराब हो गई तो सारा सामान मैंने खींचा। तुम दोनों चुप हो जाओ। चुप? मुझे जाना होगा, ये कहानी बाद में बताना। मिस्टर हब को क्या हुआ? टीटी पो, डीजल, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या कुछ गलत हो गया? मिस्टर हब का बर्ताव अजीब था। मिस्टर हब? हाँ, उन्होंने मेरी बात को बीच में ही रोक दिया और फिर अजीब सा मुंह बनाकर चले गए। उन्होंने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तुम्हारे साथ भी जीनी? पता नहीं मिस्टर हब को क्या हो गया है। तुम्हें लगता है मिस्टर हब नाराज है? नाराज? अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है वो मुझसे नाराज होंगे। एक दिन मैं काम से वापस आई तो काम हो गया मिस्टर हब। शाबाश जीनी। ये अजीब सी बदबू कैसी? आज मेरा कुछ पेट खराब है। माफ करना। आपका पेट खराब है? इससे ज्यादा तेज आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। मिस्टर हब नाराज होंगे क्योंकि मैं उन पर हंसी थी। कितना गलत किया मैंने। मुझे लगता है मैंने भी उन्हें नाराज किया है। डीजल और मैं एक साथ काम पर जा रहे थे। मिस्टर हब, पता नहीं मिस्टर हब कहाँ चले गए। दिखाई नहीं दे रहे। मैं थोड़ी देर और सो लेता अगर पता होता वो देर से आएंगे। डीजल, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाऊं? क्या मजेदार चीज? मैं मिस्टर हब की नकली करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। डीजल, तुम आज जल्दी आ गए। तुम बिल्कुल उन्हीं के जैसा कर रहे हो। गुड मॉर्निंग डीजल, आज तुम खदान में जाओगे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल वही बोल रहे हैं। टीटी भो, डीजल, बताओ तो जरा ऐसी क्या बात कर रहे थे जिस पर इतनी हंसी आ रही थी? मिस्टर हब, कोई हंसी की बात नहीं थी। आज हमें आप कहाँ भेजने वाले हैं मिस्टर हब? रुको, मैं चार्ट चेक करता हूँ। मुझे लगता है मिस्टर हब ने मुझे उनकी आवाज निकालते हुए सुन लिया था। गलती मेरी है। तुम्हें पता है, शायद मैंने भी उन्हें नाराज किया है। मैं नहाने के लिए जा रहा था। आज नहाने के लिए बड़ी लंबी लाइन है। सही कहा। कोई बात नहीं, मैं कल नहा लूंगा। लेकिन मिस्टर हब ने तुम्हें आज नहाने के लिए कहा है। मिस्टर हब तो है ही नहीं यहाँ देखने के लिए। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। मिस्टर हब ने कहा था कि हमेशा रूट पर जाने से पहले नहाया करो।
तुम्हें सच में लगता है मिस्टर हब गुस्सा हैं? जो कुछ भी हम तीनों ने किया है उसके बाद तो वो नाराज होंगे ही। हम क्या करें जिससे मिस्टर हब हमें माफ कर दे? लिफ्ट और फिक्स से पूछते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक कहा, वो मिस्टर हब को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो क्या अभी फिक्स और लिफ्ट के पास चलें? ठीक है, यही ठीक रहेगा। टिटीपो टिटीपो। फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स। लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट। फिक्स और लिफ्ट, लिफ्ट और फिक्स। जबी कुछ टूटे। हेलो हेलो दोस्तों। और सुनाओ दोस्तों, हमारे साथ खेलने आए हो क्या तुम? तो फिर खूब खेलेंगे मिलकर पूरे दिन हम तुम। ये बात नहीं है, हमने मिस्टर हब को बहुत नाराज कर दिया है। क्यों? सच में? मिस्टर हब बहुत ज्यादा नाराज है। वो हमें माफ कर दें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तरीका है जो शायद काम करे। जैसे कुछ गाना शाना? तैयार हो? संगीत है बहुत खास, उदासी रहना आसपास। उदासी से नहीं हासिल होने वाला कुछ, संगीत से ही हासिल होगा सब कुछ। जागा चू चू जागा चू चू जागा। अब तुम भी साथ गाओ। उदासी से नहीं हासिल होने वाला कुछ, संगीत से ही हासिल होगा सब कुछ। हो जाओ जब तुम उदास, तब संगीत को लाओ पास। मजा आ गया। क्या बात है, जब संगीत सुनते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। अगर तुम मिस्टर हब को गाना सुनाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। तो दोस्तों उनके लिए एक गाना लिखते हैं। ठीक है, बढ़िया, और हम मदद करेंगे। शुक्रिया। छोटी रेलगाड़ियाँ फिक्स और लिफ्ट के सामने अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगी। जल्दी बताओ ना। ये बहुत बढ़िया था। सच में कमाल कर दिया तुमने। शुक्र है। उम्मीद है मिस्टर हब को भी पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, तुमने गाना खुद लिखा और प्रैक्टिस भी की है। उन्हें बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ सही कह रहे हो तुम। मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना हम ये बिल्कुल नहीं कर पाते। तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो अब सोने के लिए चलते हैं फिर। अगला दिन शुरू हुआ। कहाँ हैं सबके सब? गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। ओह गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ सब एक साथ? कोई खास बात? कुछ बात करनी है मुझसे? हमने आपको एक तोहफा देना है मिस्टर हब। एक तोहफा? तो ठीक है, सब तैयार हो? हाँ। एक दो तीन चार। थैंक यू मिस्टर हब, आपको पसंद करते हैं हम सब। खुशियों के दिन हो मस्ती भरे या मुश्किल कुछ आन पड़े, आपका साथ हम सबको मिले और आप रहे यूं ही खिले खिले। तुमने ये गाना अपने आप लिखा है? हाँ, हमने आपको सोचकर ही इसके बोल लिखे हैं। आपको हमारा बनाया गाना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। इन्हें पसंद आया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये गाना लिखने की सूझी कैसे? हमने ये लिखा ताकि आपकी नाराजगी दूर हो जाए। हमने आपको नाराज किया था ना? नाराज क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल इसी तरह, जब हम बात कर रहे थे तो अचानक आपने मुंह बनाया और बात बीच में छोड़कर चले गए। जब आपका पेट खराब हो गया था, माफी चाहती हूँ, मैं हंस पड़ी। मैं अब कभी आपकी नकलें नहीं करूँगा। और मैं अपने काम पर हमेशा नहा कर जाया करूँगा। हाँ,
तुम बहुत शैतान हो। फिर दर्द उठा। मिस्टर हब, क्या हुआ आपको? असल में पिछले कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द है। दांत में? शायद दर्द की वजह से चेहरे पर गुस्सा दिख रहा होगा। तो आप हमसे नाराज नहीं थे मिस्टर हब? नहीं, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। अब हम चैन से सोएंगे। हम परेशान थे कि आप हमसे नाराज हो गए। माफी चाहता हूँ, मुझे डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए था लेकिन मैं टालता रहा। आप दांतों के डॉक्टर के पास जाना टालते रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है? डीजल, तुमने अभी कहा कि तुम बिना नहाए काम पर गए थे। हाँ। मैंने कहा था ना कि तुम नहा के काम पे जाया करो। आप मुझे ही हमेशा क्यों डांटते हैं? छोटी रेलगाड़ियों के खास गाने ने मिस्टर हब का दिल खुश कर दिया। पता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। थैंक यू मिस्टर हब। फिक्स और लिफ्ट बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छी सुनहरी सुबह है लेकिन टीटी बो अब तक सो रहा है। टीटी बो अब तक सो रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं सो रहा, मैं जाग चुका हूँ। काम पर जाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। ठीक है। थका हुआ हूँ। ये कैसी आवाज है? चलो चलें। फिक्स और लिफ्ट का कोई रूट नहीं होता इसलिए वो देर तक सो सकते हैं। किस्मत अच्छी है। टीटीपो अपने काम पर पहुंच गया है। आपका स्वागत है। सब चढ़ गए। टीटीपो, जाने का समय हो गया। मैं बस जा रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है। डरा दिया मुझे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद टीटी पो चूचू शहर लौट आया। आज बहुत ज्यादा काम था। फिक्स फिक्स लिफ्ट 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 फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट फिक्स। हेलो टीटी पो, तुम काम से वापस आए हो? हाँ। हे, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने बहुत ज्यादा काम किया, थक गया हूँ। यो टीटी पो, रेलगाड़ियों में सबसे बेहतरीन रेल कौन सी है क्या तुम्हें पता है? सभी से पक्की दोस्ती करती है वो, और सबको अच्छी लगती है वो, करती है मेहनत पूरा दिन जो, सिर्फ और सिर्फ वो है टीटी पो। टीटी पो वो तुम। तुम अच्छे हो से भी अच्छे हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों, बाद में मिलता हूँ। हैरानी है, मैंने टीटी पो को इतना उदास कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। नहाने के बाद आराम करूंगा। फिक्स और लिफ्ट पूरा दिन गाने गाते और खेलते रहते हैं, कितने खुश रहते होंगे। घर जाकर सोने का समय हो गया है। ये फिक्स और लिफ्ट हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? टीटी पो। जीनी, डीजल। हेलो टीटी पो। फिक्स और लिफ्ट अभी अभी कहीं गए हैं, तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता? और मुझे भी नहीं पता। इतनी देर से कहाँ जा रहे होंगे? शायद वो गाना गाने गए हो, तुम्हें पता ही है उन्हें गाना कितना पसंद है। गाना गाने? फंस गए प्यारे, मदद को पुकारे। कुछ ज्यादा हो ये थोड़ी, उससे दूर करे ये जोड़ी। जोर से बोलो कौन? गाना गाने ही गए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो तारे देखने गए हों। तारे? हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन वो तारे देखने गए थे। वो तारे देखने गए थे? हे लिफ्ट, जरा आसमान तो देखो। वाव, कितना सुंदर है। वाव, उन दोनों की किस्मत कितनी अच्छी है। हाँ, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ।
सुबह का वक्त है, टीटीपो की आज छुट्टी है। फिक्स और लिफ्ट जरूर मजे कर रहे होंगे। जाकर देखता हूँ। फिक्स लिफ्ट। हाँ, टीटीपो, हेलो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। हमारे साथ? हाँ, मुझे अपने साथ ले चलो। टीटीपो दिन बिताने के लिए फिक्स और लिफ्ट के साथ चल पड़ा। बताओ दोस्तों, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जल्दी एक जगह पहुँचना है। मुझे पता है, हम खूब मौज मस्ती करेंगे। टीटीपो, टीटीपो। हिया, लो हम पहुँच गए टीटीपो। ओ, ये वो जगह है। तो तुम दोनों खेलने नहीं जा रहे थे? क्या बात कर रहे हो तुम? हम यहाँ आए हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है। मुझे लगा मौज मस्ती करने जा रहे थे। हटिए, जल्दी हटिए, हम लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं। मैं दिल से माफी चाहता हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रुकिए, मैं आपको निकालता हूँ। ठीक है। तो फिर चलो। बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम किया। वाह, तुमने कमाल कर दिया फिक्स। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। इसे बहुत दुख हो रहा होगा। हे फिक्स, क्या शुरू करोगे तुम? ठीक है, हर कोई ठीक और मजबूत रहना चाहे, लेकिन जब खराब हो तो चल भी न पाए। जब भी कुछ ऐसा हो तो हम बाहर जाएं। दोस्त हैं हम, सच्ची दोस्ती निभाएं, सच्ची दोस्ती निभाएं, सच्ची दोस्ती निभाएं। हर रेल कभी न कभी खराब होती है, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। टेओ आएगा तो तुम्हें ठीक कर देगा, यहीं पर इंतजार करो तुम। हाँ ठीक है, फिर से शुक्रिया। मुझे लगता था ये सिर्फ खेलते रहते हैं, लेकिन ये काम भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब। जी बताइए मिस्टर हब। खदान के रास्ते में एक चट्टान गिर गई है, फौरन वहाँ पहुँचो। जी ठीक है, है सर, तुम ख्याल रखना, हम अब जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। टीटीपो, तुम साथ चलो। हाँ, आ रहा हूँ। एक और एक्सीडेंट, ये दोनों खेलने कब जाएंगे? तीनों दोस्त खदान की तरफ जा रहे हैं। वो देखो। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे खदान में जाना है, लेकिन इस चट्टान की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं चुटकियों में इसे हटा दूंगा। लिफ्ट तो बहुत ताकतवर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। बाय, ध्यान रखना। वाह, कमाल कर दिया तुमने। टीटीपो, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ फिक्स। अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी। शुक्रिया। मुझे नहीं पता था ये इतनी मेहनत करते हैं। सुनो दोस्तों, मुझे अपनी एक गलती माननी है। गलती? क्या तुमने सोचा हम पूरा दिन मौज मस्ती करते हैं? अब समझ में आया, इसीलिए तुम हमारे साथ आए थे। सच में माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब चलो पत्थर हटाने में हमारी मदद करो। ठीक है। वाह, हमने कर दिखाया दोस्तों। तुमने भी बहुत अच्छा काम किया टीटीपो। अब तुम चूचू टाउन जाओगे? अभी नहीं, अभी चक्कर लगाने जाना है।
चक्कर लगाने जाना है? हाँ, फिक्स और मेरी रात की ड्यूटी है। जो रेलगाड़ियाँ रात में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। आहा, तो इसलिए तुम दोनों रात को बाहर निकलते हो? तुम दोनों थकते नहीं? कौन है हम? कौन? सबसे बेहतरीन सर्विस ट्रेन से हम। ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। सबकी सुरक्षा फर्ज अपना। जागा चूचू, जागा चूचू। कुछ हो जाए हमें याद करना। जागा चूचू, जागा चूचू। टीटीपो जल्दी आओ, देखो। अब क्या दिखा रहे हो? जब हम रात की ड्यूटी पर होते हैं तो यहाँ तारे देखने जरूर आते हैं हम। अब पता चला तुम दोनों शहर की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली रेल हो। सब रेलों को खींच के लाएंगे और काम करते करते मौज बनाएंगे। रेल है ये सबसे ज्यादा काम करने वाली, लिफ्ट और फेस दोनों सबसे निराली। बेचारे टीटीपो का पूरा छुट्टी का दिन हमारे साथ काम करते हुए बीता। टीटीपो तुम थक गए होगे। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, दरअसल अब मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। गाना? तो ठीक है, तैयार हो तुम? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जगा चूचू, जगा चूचू। फिक्स 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 लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स। लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट। फिक्स और लिफ्ट, लिफ्ट और फिक्स। जब ये कुछ टूटे तो आए मिस्टर फिक्स और उसके साथ ही लिफ्ट लिफ्ट। फंस गए प्यारे, मदद को पुकारे, दिक्कत ज्यादा हुई थोड़ी से ठीक करे जोड़ी। अरे वाह, मजा आ गया। एक और गाना प्लीज। एक और? क्या कहते हो फिक्स? चलो गाते हैं। जब फिक्स लिफ्ट और टीटी को खुश होकर गाना गाने लगे, उनकी आवाज पटरियों पर गूंजने लगी और ऊपर तारों तक पहुंच गई। एरिक और टीटीपो। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। ओ देखो वो रहा एरिक। चलो दिन शुरू किया जाए। वापस आ जाओ। ये टीटीपो और डीजल भी ना, लगता है फिर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। डीजल को पकड़ना जी मिस्टर हर्ब, तुम सफर पर जाने के लिए तैयार हो? जी मैं बस पहुंच रहा हूँ। शाबाश, टीटीपो को साथ लेते आना। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। हाय दोस्तों। एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मिस्टर हर्ब ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? शायद कहीं जाना पड़ेगा मुझे। बाद में खेलेंगे डीजल। ठीक है। हाय मिस्टर हर्ब। सही समय पर आए। एरिक, कल तो तुम्हारी जांच होनी है ना? जी हाँ होनी है। हमें एक ऐसी रेल चाहिए जो तुम्हारी जगह जा सके। शायद टीटीपो तुम्हारी जगह जा सकता है। टीटीपो सर? वाह! इसका मतलब मैं बहुत दूर दूर जाऊंगा। मजा आएगा। लेकिन टीटीपो इतने लंबे सफर पर कभी गया नहीं है सर। तो तुम उसकी मदद करो ना, आज अपने साथ टीटीपो को ले जाओ और उसे समझा दो ताकि उसे परेशानी ना हो। जी सर। मैं तुम्हारा शिष्य बन गया एरिक। ठीक है। आज टीटीपो एरिक के साथ जा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। टीटीपो अभी सिर्फ सफर पर ध्यान दो तुम। ठीक है। हमें यहाँ पर रुकना होगा। टीटीपो कहाँ जा रहे हो तुम? तितलिया। टीटीपो तुम्हें यहाँ रुकना था। हाँ, माफ करना। हम स्टेशन पर पहुँच गए। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही, इस स्टेशन पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए डाक की ट्रेन कितनी फनी है। सही कहा तुमने। अरे तुम क्या कर रहे हो?
लोगों को हंसाने की कोशिश। अब बस भी करो तुम। अपना काम पूरा करने के बाद टीटीपो और एरिक वापस चूचू टाउन आ रहे हैं। एरिक, आज बहुत मजा आया। टीटीपो, आज जैसी हरकतें सफर पर नहीं चलेंगी। तुम स्टेशन से आगे चले गए और अजीब अजीब हरकतें करते रहे। लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कल तुम अच्छे से काम करोगे। ठीक है। अगली सुबह। मिस्टर हब, टीटीपो कहाँ है? टीटीपो, लगता है उसे आने में देर हो गई। क्या? मुझे माफ कर दो। आखिर तुम आ गए टीटीपो। तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था। उठने में थोड़ी देरी हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं आज अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तुम्हें यात्रियों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। जानता हूँ। तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, अब जल्दी जाओ। ठीक है, बाद में मिलूंगा। काश ये सफर ठीक से पूरा कर ले। ये वो जगह है जहाँ रेल बनाई जाती हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। एरिक जांच के लिए आया है। एरिक, कुछ परेशानी है क्या? आज मेरी जगह टीटीपो सफर पर गया है, उसी की चिंता है बस। उसने अभ्यास के दौरान भी अच्छा नहीं किया और आज सुबह देर से भी उठा। फिक्र मत करो एरिक। क्या? मैं नहीं चाहता एरिक के रूट पर कुछ गड़बड़ हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टियो। उसने कल बहुत देर तक अभ्यास किया था, वो कर लेगा। टीटीपो ने और अभ्यास किया? हाँ, वो देर रात तक अभ्यास करता रहा। वो इसलिए सुबह देर से उठा था। मुझे ये नहीं पता था। मैं सोचता था टीटीपो हमेशा खेलने के बारे में सोचता है। कितना गलत था मैं। आपका स्वागत है। हेलो जीनी, शुक्रिया। हेलो। टीटीपो ने बताया था वो स्टेशन पर भी रुकेगा। टीटीपो। अजीब बात है, वो रुका क्यों नहीं? टीटीपो एक और स्टेशन से बिना रुके निकल गया। ये क्या हो रहा है? टीटीपो, टीटीपो। जांच पूरी होने के बाद एरिक वापस शहर आ गया। उम्मीद है टीटीपो ने सब ठीक किया होगा। वो घर पर नहीं है। उसको अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो एरिक। हाय जीनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीनी, मैं ये सोच रहा था कि टीटीपो कहाँ है, वो अभी तक लौटा नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। क्यों, क्या किया उसने? वो स्टेशन पर नहीं रुका और सीधा चलता चला गया। उसने क्या? तुम्हें नहीं लगता टीटीपो के साथ कुछ गड़बड़ है, है ना? मैं मिस्टर हर्ब के पास जाता हूँ। बाय बाय। उम्मीद है वो ठीक होगा। हम बस अपने घर जा रहे थे। एरिक, बात क्या है? टीटीपो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। मैं परेशान हूँ कि कोई बात तो नहीं हुई। जानता हूँ, उससे देर हो गई है। हम भी टीटीपो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। टीटीपो ने कोई गलती की क्या? नहीं, हम एक मुश्किल में थे और टीटीपो ने हमारी काफी मदद की। हाँ, सच में। स्वागत है सबका, कृपया ध्यान से चढ़ें। हम चल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एरिक को खुश कर दूंगा। टीटीपो, तुमने शानदार काम किया, मुझे तुम पर नाज है। मिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? टीटीपो, मेरी बेटी को पेट में काफी दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शांत हो जाओ। रेल में एक लड़की की तबीयत खराब है, क्या आप में से कोई डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सके? हाँ,
अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, कहाँ है वो लड़की? पहले डिब्बे में। ठीक है। बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या यहाँ पर कोई बीमार लड़की है? हाँ यहाँ पर। ठीक है प्यारी गुड़िया, अभी देखते हैं। टीटीपो, हमें इसे इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या इसी वक्त? लेकिन अभी तो मुझे कई स्टेशन पर रुकना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बीमार लड़की को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो अगर आपको एतराज ना हो हम किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यही सही है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमारी चिंता मत करना। आप सबका शुक्रिया। टीटी को तेजी से अस्पताल के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गया। तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, हिम्मत रखो। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, शाबाश टीटीपो। थैंक यू। अब वो ठीक हो जाएगी। टीटीपो ने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर टीटीपो नहीं होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए इलाज के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। टीटीपो ने आज सबका दिल जीत लिया। हाँ, और मैंने उसे कितना गलत समझा। वापस जाकर यात्रियों को छोड़ने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। लेकिन मुझे खुशी है मैंने मिनी को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ, एरिक क्या कर रहा है? चलो अच्छा है, मिनी अब ठीक है। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। शाबाश टीटीपो। टीटीपो, तुमसे कोई मिलने आया है। टीटीपो। ओह, मैंने आपको देखा ही नहीं, क्या आप मिनी ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। थैंक यू। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि अब मिनी ठीक है, और तुम्हें एरिक? हाँ, सुनो टीटीपो। हाँ? मुझे माफ कर दो। ओ, क्यों? अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम करोगे तुम, लेकिन ये सुनकर कि तुमने एक बीमार बच्ची की मदद की, मुझे बहुत नाज हुआ। शुक्रिया एरिक, मुझे चिंता थी मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब सोने चलता हूँ। ध्यान से। ठीक है। नटखट टीटीपो ने आज बड़ी सूझबूझ से काम लिया। स्वीट ड्रीम्स। शाबाश टीटीपो। जीनी ने बनाया एक नया दोस्त। छोटी रेलगाड़ियां हमेशा की तरह आज भी बहुत काम कर रही हैं। हम पहुंच गए। छोटा सा पापी, कितना प्यारा है। अरे देखो कितना सुंदर पप्पी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। किसी का इंतजार कर रहा है? चलने का समय हो गया। बाय छोटे पप्पी। जीनी चूचू टाउन में वापस आ गई। मैं आ गई। हेलो जीनी। आज का दिन अच्छा रहा? हाँ, मैंने अपने रूट पर आज एक छोटे से पप्पी को देखा। पप्पी देखा तुमने? हाँ, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। शायद मालिक से बिछड़ गया हो। अगर उसे उसका मालिक नहीं मिला तो उसे एनिमल पाउंड में भेज देंगे। वो क्या होता है? वहाँ पर लावारिस जानवरों को शरण दी जाती है। ओ, बेचारा। अगला दिन शुरू हो गया और जीनी अपने काम पर जा रही है। हेलो मिस्टर हब। ओ जीनी, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। शुक्रिया, बाद में मिलूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जिनी कैसी हो? हेलो, गुड मॉर्निंग।
बेचारी जीनी कितनी भूल लग गई इस पर। हेलो, स्वागत है। कितनी भूल है। माफी चाहती हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद जीनी चूचू टाउन आ रही है। हेलो, तुम अब तक यही हो? कोई यात्री नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया इसलिए घर जा रही हूँ। आज का दिन सबसे ज्यादा खराब रहा। कुछ कहना है? मैं तुम्हारे पीछे आऊं? कहाँ जा रहा है ये? कभी नहीं आई। पापी, तुम मुझे यहाँ खुश करने के लिए लेकर आए? सुनो पापी, कहाँ चला गया ये? फूलों का ताज पहन लिया। पपी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रोज जीनी अपने नए दोस्त से मिलने के लिए कंट्री स्टेशन जाने लगी। हेलो छोटे पपी, ढूंढ लिया। टिटीपो टिटीपो। हाय दोस्तों। हेलो, कहाँ को चली? आज तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जीनी, तुम हर रोज कहाँ जाती हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाह! अरे वाह! ये तो दुनिया का सबसे प्यारा पति है। कितना प्यारा है। है ना, मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लगता है पपी मुझे पसंद करता है। अजीब बात है, मुझे गर्म क्यों लग रहा है? क्या किया ये? पपी को लगा तुम बाथरूम हो। क्या बाथरूम? काश हम पपी के साथ हर रोज खेल पाए। लेकिन दोस्तों, लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा है, शायद अपने मालिक का कर रहा हो। ऐसा लगता है। पपी को अलविदा कहने के बाद तीनों दोस्त वापस शहर की ओर चल पड़े। हम आ गए मिस्टर हब। बढ़िया, इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने इस पपी को देखा है? इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है। इसी पपी को तो हमने देखा था, है ना? तुमने इस पपी को पहले देखा है? हाँ, इसी को देखा था। जीनी बताओ ना। नहीं, गलत कह रहे हो, ये वो पपी नहीं है। ये वो नहीं है? मैं बाद में मिलती हूँ। जीनी, अजीब बात है। अगर पपी को मालिक मिल गया तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। Oh!
जरा सुनिए, क्या आपने ये पपी कहीं पर देखा है? नहीं सॉरी। क्या आप बता सकती हैं आपने इस पपी को कहीं आसपास देखा है? जरूर इनका ही पपी होगा, अब मैं क्या करूं? अरे देखो कितना सुंदर पपी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। पपी भी अपने मालिक को ढूंढ रहा था। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। क्या आपने मेरे पपी को देखा है सर? मैंने देखा है। मुझे पता है आपका पपी कहाँ है, अभी आपको वहाँ लेके जा सकती हूँ। सच? ले जाओगी? तुम्हारा शुक्रिया। सुनो पपी, बाहर आ जाओ। कहाँ चला गया? यहाँ तो मेरा कोंगी नहीं है। सच कह रही हूँ, यही था। सुनो पपी। पपी को ले गया? हाँ, उसने सोचा होगा वो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम मुझ पर छोड़ दो तुम। उसे मेरे दोस्त को वापस लाना होगा। जरा सुनिए। प्लीज जरा रुकिए। मुझे उम्मीद है टायो से वापस ले आएगा। काश ऐसा ही हो। जीनी, टायो, क्या कोंकी मिल गया? मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा पपी, देखो। कोंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मिल ही गया। जीनी, टायो, तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। मदद करके अच्छा लगा। एक नए दिन की शुरुआत हुई और छोटी रेलगाड़ियां काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हाय जीनी, काम पर जा रही हो? बाद में मिलती हूँ। ये जीनी इतनी उदास क्यों है? कोंगी की वजह से, अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। बेचारी जीनी। कोंगी। कोंगी तुमसे मिलने की जिद कर रहा था जीनी। क्या सच में? इसलिए हम टहलने के लिए हर रोज यहाँ आया करेंगे। मुझे लगा था मैं फिर से नहीं मिल पाऊंगी। कोंगी। जीनी अब भी कोंगी से रोज मिल पाएगी, कितनी अच्छी बात है ना? टीटीपो और टायो। एक खिली हुई सुबह और ये जा रहा है टीटीपो। ओ, ये तो टायो है। टायो। टीटीपो, हेलो। हेलो। तेज रफ्तार थी। काश मैं रुक कर बातें कर पाता। क्या करे? टीटीपो, मैं हूँ। हाय टायो। हम फिर मिल गए। यूं मिलकर अच्छा लग रहा है।
हाँ बहुत अच्छा। मन करता है हम ज्यादा टाइम बिता पाएं। हाँ मेरा भी। टीटीपो कल तुम्हारी ड्यूटी है? नहीं कल मेरी छुट्टी है। सच में? ये तो अच्छा हुआ, कल मेरी भी छुट्टी है। कल घूमने समुद्र के किनारे चले हम। वाह ठीक है ठीक है। ठीक है तो कल गैराज के पास वाले स्टेशन पर मिलते हैं। ठीक है वहीं मिलेंगे। बाय। अगले दिन की सुबह टीटीपो स्टेशन पर पहुंच गया। मैं पहुंच गया लेकिन अभी तक टायो नहीं आया। टीटीपो। ओ टायो। टीटीपो क्या तुम पहुंच गए वहाँ? हाँ मैं स्टेशन पर हूँ। पर तुम कहाँ हो टायो? मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ हूँ। पार्किंग लॉट? हाँ बिल्डिंग की वजह से उसे नहीं देख पा रहा। हमें शायद अलग अलग जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है क्या तुम मुझे समुद्र के किनारे मिलोगे? क्या समझ नहीं आया? क्या तुम मुझे समुद्र के किनारे पर मिलोगे? तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा समुद्र के किनारे पर। क्यों रही है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? मैं तो बस स्टेशन के बाहर खड़े अपने दोस्त से बात कर रहा था। लेकिन तुमने सबको परेशान कर दिया। मुझे माफ कर दो। शायद उसने समुद्र के किनारे मिलने को कहा है। तो फिर चलो मैं वहीं चलता हूँ। टायो समुद्र के किनारे जा रहा है। ओह वो रहा टीटीपो। शायद टायो वहाँ पहुँच भी गया होगा। ओह ये तो टायो है। टायो मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम क्या करोगे? हाँ ये बोलो हम क्या करेंगे? टायो टीटीपो। सोचा था वहाँ इकट्ठे जाएंगे अकेले अकेले नहीं। लेकिन उम्मीद है जब समुद्र के किनारे पहुँच जाएंगे तो मौज मस्ती करेंगे। वाह मैं तो चला। अरे रुको तो मुझे पकड़ के दिखाओ। लो पकड़ लिया टीटीपो। वाह कितनी सुंदर जगह है। बहुत सुंदर। वाह बहुत मजा आएगा। वो रहा समुद्र। जल्दी से वहाँ पहुँच कर टायो के साथ खेलूंगा। आखिरकार टीटीपो पहुँच गया। टायो टायो टीटीपो। मैं यहाँ हूँ। तुम वहाँ हो टायो? हाँ समुद्र के किनारे यही सड़क सबसे करीब है टीटीपो। क्या? ओ, हम इतनी दूर से यहाँ आए और साथ में खेल भी नहीं सकते? हाँ एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ पास आने की। ओ, लेकिन कैसे टायो? ये मुझ पर छोड़ दो तुम। टायो ध्यान से। घबराओ नहीं, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ओ टायो। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अरे नहीं अब क्या करें? टीटीपो टीटीपो। तुम बाहर आ गई। शुक्रिया टोटो। कोई बात नहीं। टायो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन लगता है मुझे गैराज पर ठीक होने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ ध्यान से जाना टायो। ठीक है तो अब चलते हैं। हाँ
चलते हैं। टायो को मेरी वजह से चोट लग गई। टीटीपो। हाँ टियो। तुम्हें याद है ना आज रात तुम्हारी जांच होनी है? हाँ मुझे याद है। ठीक है रात को मिलते हैं। ठीक है। टीटीपो जांच के लिए टियो के पास पहुंच गया। हेलो टियो, मैं पहुंच गया। टीटीपो सही वक्त पर आए तुम। हाँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ हूँ, मैं आज टायो के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया था, लेकिन टायो टीटीपो ने टियो को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। खेल भी नहीं पाए। इसलिए परेशान हो तुम? हाँ। मुझे पता है तुम और टायो साथ में कैसे खेल सकते हो। सच में टियो, तो बताओ ना। तुम कल दोपहर को यहाँ आ जाना और मैं तुम्हें बता दूंगा। वाह, मजा आ जाएगा। अगले दिन टीटीपो फिर से प्रोडक्शन प्लांट में आ गया। टियो। टीटीपो अंदर आ जाओ। हेलो। तुम यहाँ पर? हाय। टायो क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, हैना ने मुझे चुटकियों में ठीक कर दिया। लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा सिर्फ सड़क पर ही चलो। हाँ बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है दोस्तों, टीटीपो टायो तुम बाहर घूमने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन टियो हम एक साथ कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा था ना एक तरीका है, वो तरीका है इसके साथ। टियो वो तो बस एक मालगाड़ी है। ये कोई आम मालगाड़ी नहीं है, मैंने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। आओ टीटीपो इसे साथ जोड़ लो। ठीक है। धीरे धीरे, बढ़िया। इसे तो जोड़ लिया, लेकिन टियो तुम्हें विश्वास है टायो और मैं एक साथ घूमने जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, क्या बात है टियो। टायो इस पर चढ़ जाओ। ठीक है अभी चढ़ जाता हूँ। वाओ, मैं तो इसमें से अब गिरने वाला भी नहीं हूँ। अब हम जुड़ चुके हैं इसलिए एक साथ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टियो। अरे कोई बात नहीं। क्या तुम तैयार हो टायो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। मजे करना दोस्तों। ठीक है चलो चलते हैं। फिर मिलेंगे टियो। बाय। टीटीपो और टायो एक साथ समुद्र के किनारे जा रहे हैं। समुद्र कितना अच्छा है। हाँ और हवा भी सुहानी है यहाँ की। एक साथ यहाँ आकर मजा आ गया। ऊपर देखो टायो, वहाँ सीगल है। वाओ, देखो वो एक ही लाइन में उड़ रही है। सही कहा। तो अपना दाहिना हाथ रखो दोस्त के दाहिने कंधे पर और बायां हाथ रखो दोस्त के बाएं कंधे पर। 1, 2, 3, 4 हंसते गाते यूं ही चलते जाओ। चुचू रेल है अच्छा खेल। आओ सब आ जाओ, एक दूजे का हाथ थामो। तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें धमाल। छोटी रेल बनाओ चैक 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 चैक। तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें धमाल। सारे मिलकर करें धमाल। टीटीपो और टायो समुद्र के किनारे खूब मजे कर रहे हैं। हाय दोस्तों। टीटीपो तुम? ये तुम्हारे पीछे माल बोगी क्यों लगी है? तुम्हारे लिए कुछ खास है। टाडा। हाय दोस्तों मैं हूँ। वो ये तो टायो है। टायो वहाँ क्या कर रहा है? टियो ने खास ये टायो के लिए बनाया है ताकि टीटीपो और मैं समुद्र के किनारे एक साथ जा सकें। वाह कितना अच्छा तरीका है। हे टायो सुनो, अगली बार खदान पर हम सब साथ जाएंगे। खदान? मैं तुम्हें वो जबरदस्त काम दिखाऊंगा जो मैं करता हूँ। टायो वहाँ जाने से पहले तुम मेरे साथ पूल देखने चलना। माफ करना, टायो वादा कर चुका है कि अगली बार हम फिर से समुद्र के किनारे जाएंगे। ये ठीक बात नहीं है। टायो सुनो, हम सब खदान जाएंगे। नहीं
डायो मेरे साथ समुद्र के किनारे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डायो ये झूठ बोल रहा है ना, तुम मेरे साथ चलोगे है ना। छोटी रेलगाड़ियों ने चूचू टाउन में डायो के साथ खेलते हुए बहुत मजे किए।